चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है, जमकर चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है। इस बीच संभाजीनगर मध्य से उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, नाम वापस लेने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का फैसला किया है। ये चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने भगवंत मान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम के रूप में अपने काम पर ध्यान नहीं दिया, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है और पंजाब की वित्तीय स्थिति भी खराब है। बाजवा ने कहा कि मान के ढुलमुल रवैये के कारण धान खरीद संकट ने किसानों को झटका दिया है। झारखंड चुनाव को लेकर प्रदेश में प्रचार प्रसार जोरों पर है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि घुसपैठियों ने झारखंड की संस्कृति और आदिवासी अस्मिता में भारी गड़बड़ी पैदा कर दी है। अगर ये जारी रहा तो झारखंड में जनसांख्यिकी परिवर्तन होगा और ये एक मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंडित जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के सरौल स्थित भवन केबी और सी ब्लॉक में शुरू होने वाले क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास करेंगे। 11 करोड़ की लागत से बनने वाले क्रिटिकल केयर यूनिट में मशीनरी खरीद के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बाकायदा नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी ने करार भी कर दिया है। पश्चिम बंगाल का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। इस बीच भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के हालिया बयान ने एक बार फिर राज्य की सियासत गरमा दी है। टीएमसी नेता के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हम उन्हें काट कर जमीन पर गाड़ देंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। इस बीच बिजनौर के नगर पालिका चेयरमैन फैसल वारसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 12 घंटे में लॉरेंस के नेटवर्क को खत्म करने का दावा किया है। इस दौरान वो बाबा सिद्दीकी की काफी तारीफ करते हुए भी दिखाई दिए। इन दिनों पंजाब में पराली जलाने को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दिलीप पांडे ने भगवंत मान सरकार को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भगवंत मान सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर स्तर पर प्रभावी कदम उठाए। पराली से होने वाले प्रदूषण पर भी रोक लगाने में बहुत हद तक आप सरकार सफल रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोग अफवाह और भ्रम फैलाते हैं। वो ओवैसी के एक बयान का जिक्र कर रहे थे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि आने वाले 80-90 वर्षों में भी मुसलमान हिंदुओं की बराबरी नहीं करेंगे। इसे लेकर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि NRC पूरे भारत में लागू होना चाहिए। पनामाराम में अपनी सार्वजनिक रैली के दौरान कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी के सबसे कठिन समय के दौरान आप वायनाड के लोग उनके साथ खड़े थे। ये आप ही हैं जो देश के लोकतंत्र के साथ खड़े रहे। आप में से प्रत्येक को आपके वोटों ने शांति और भाईचारे के नाम पर इस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक चलने की शक्ति और साहस दिया। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और कोलाबा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने कहा कि MVA अप्राकृतिक गठबंधन है, इसमें वैचारिक मतभेद है। उन्होंने आगे कहा कि आदित्य ठाकरे के वर्ली विधानसभा क्षेत्र पर एकनाथ शिंदे का बड़ा प्रभाव है। महाविकास अघाड़ी पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और कोलाबा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने कहा कि ये गठबंधन अप्राकृतिक है और इसमें कोई प्राकृतिक समानता नहीं है।